अतुल प्रधान जी ने कंप्लेन करी है हमारी कि हम दवाइयों में गलत तरीके से भेजते हैं और पेशेंट को जबरदस्ती बोलते हैं कि दवाई यहाँ से ले वो। ऐसा कुछ नहीं है, हम पेशेंट सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने चेक करी और चेक करके हमें लगता नहीं कोई गलती पाई गई। जैसा कि सुबह हमने इंक्वायरी में बताया था वैसे ही हम दवाई देते हैं पेशेंट को। पेशेंट आते हैं, भर्ती होते हैं और पेशेंट को दवाई देने के बाद, पर्चा देने के बाद पेशेंट को स्वतंत्र होता है जहाँ मर्जी दवाई ले पेशेंट, और वो पेशेंट देने के जहाँ हमें से लेना चाहे हमसे ले ले, और पेशेंट चाहे तो बाहर से लेना चाहे बाहर से लेना। हम किसी पेशेंट को बाध्य नहीं करते कि वो दवाई हमारे यहाँ से ले। जो विधायक जी ने कोर्ट की बात की है वो कोर्ट बिल का नंबर है, बिल नंबर है और बिल नंबर है और बिल का कोई जो अगर हम डिटेल मांगेंगे तो पेशेंट डिटेल देना चाहिए। और अभी जो कंप्लेन कर रहे हैं वो भी उनकी समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं जो कि आई है, जो कंप्लेन कर रही हैं, जिनके मरीज एक महीने पहले छुट्टी होकर चला गया था और ये इम्प्लांटेड पेशेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, जो एक्चुअल पेशेंट है वो आया ही नहीं यहाँ पर। ओके, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है क्योंकि अतुल प्रधान जी माननीय विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच में जो दोषी पाया जाए उसके पूरी पूरी कार्रवाई की जाए। इस तरह की जो अलोकतांत्रिक और भीड़ तंत्र की जो राजनीति है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जाएगा डॉक्टर द्वारा। ये मेरा मुद्दा क्या था, वो क्यों आए थे यहाँ पर? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।